प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। दोस्तों, मेरा एक प्रयास है कि अपने विद्वता के अनुसार छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली, भाव, राशि, ग्रहों की युक्ति, लग्न का जानकारी प्रदान करूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, चंद्र शनि बुध ग्रह की युक्ति। कुंडली के प्रत्येक भाव में आपके जीवन पर क्या प्रभाव देता है, क्या हानि देता है, क्या लाभ देता है, सुन। जिसकी कुंडली में लग्न में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, आलसी होते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति, ऐसे लोग व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, भावुक होते हैं, पारिवारिक सेवक होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं, सामाजिक सेवक होते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वतंत्र उद्योगपति होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, ऐसे लोग उच्च अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग के पास जो भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहता है, स्वयं का निर्माण किया हो जाता है। जिसके कुंडली पांचवें भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग संगीत संबंधी, कला संबंधी, विज्ञान संबंधी शिक्षा पाते हैं और अपने कला के द्वारा समाज में पूजे जाते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु के मित्र हो जाते हैं, ऐसे लोग कभी जेल नहीं जाते, इनका चरित्र खराब नहीं होता है, ऐसे लोग केस मुकदमा से दूर रहते हैं और कभी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती। जिसके कुंडली में सातवें भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं और न्यायाधीश बनते हैं, तथा सरकार से भी उनको अक्षमातिक उच्च पद की प्राप्ति होती है। जिसके कुंडली में आठवें भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, इनको शारीरिक हमेशा कुछ न कुछ कष्ट बना रहता है। जिसके कुंडली में नौवें भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खा जाते हैं, परिश्रम का सही लाभ नहीं होता। जिसके कुंडली में दसवें भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग कोयला संबंधी, मशीन संबंधी, गल्ला संबंधी व्यापार से अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छा धन कमाते हैं। इनके ये लोग रंग से राजा बनते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ये अक्षमातिक धन पाते हैं, गुप्त धन पाते हैं और समाज में अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र शनि बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, चौथापन इनका अच्छा नहीं जाता। ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति के संतान के विचारों से मतभेद रहता है, संतान से विवाद रहता है और मानसिक तनाव में इनका चौथा व्यक्तिपन व्यतीत होता है। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम को जान जाइए, नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन करूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111।
इतना कहते प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।